मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। एससी ने कहा मध्यस्थता नहीं बढ़ाई आगे तो 25 जुलाई से रोजाना सुनवाई। अयोध्या मामले पर बोले मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी, कहा सुप्रीम कोर्ट को जो भी फैसला देगा दोनों समुदाय को मानना होगा। कर्नाटक में सुप्रीम कोर्ट का बागी विधायकों को आदेश, आज शाम 5 बजे तक स्पीकर के सामने पेश हों। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, भारतीय सेना ने की जवाबी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश खनन घोटाले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, सीबीआई ने दर्ज किए 2 और केस, 5 आईएएस अफसर जांच के घेरे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से आ रही है। तो सूबे में काम पर होगा तबादला, ग्राम विकास विभाग से योगी प्रभावित। मंत्री महेंद्र सिंह के काम से सीएम खुश हुए और नए सत्र से प्रदेश में तबादला नीति ऑनलाइन होंगे। सूबे में तबादले, ट्रांसफर पोस्टिंग के कारोबार पर लगाम। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूबे में काम पर होगा तबादला और ग्राम विकास विभाग से योगी प्रभावित हुए हैं। मंत्री महेंद्र सिंह के नाम सामने आया, उनका नाम कि उनके काम से सीएम योगी आदित्यनाथ खुश नजर आ रहे हैं और नए सत्र से प्रदेश में नई तबादला नीति ऑनलाइन होंगे। सूबे में तबादले और ट्रांसफर पोस्टिंग के कारोबार पर लगाम लगेगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है लखनऊ से, सूबे में काम पर तबादला किया जाएगा और ऐसे में ग्राम विकास विभाग से सीएम योगी आदित्यनाथ प्रभावित होते हुए नजर आए और मंत्री महेंद्र नाथ सिंह के काम से खुश भी हुए हैं। तो नए सत्र से प्रदेश में नई तबादला नीति ऑनलाइन होंगे। सूबे में तबादले, जो प्रक्रिया अब लिस्टों से अभी तक चलती चली आ रही थी वो प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है। तो जिस तरह से एक तरह से डिजिटल जो वो है नियम है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ग्राम्य विकास के मंत्री महेंद्र सिंह की पहचान एक ईमानदार व्यक्ति के साथ सख्त फैसले लेने वाले नेता के रूप में होती है। कुछ ऐसा ही फैसला उन्होंने लिया जिससे विभाग में भ्रष्टाचार खत्म करने के साथ कर्मचारियों को भी राहत मिल सके। और आपको बता दें कि मंत्री महेंद्र सिंह ने अपने विभाग में मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम शुरू किया था, जहां ये ट्रांसफर प्रक्रिया सरकारी नौकरशाही में एक अच्छा कदम था। अब इस ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभावित हुए हैं और इसी पर अपर मुख्य सचिव मुकुल रॉय ने सभी विभागों को खत लिखा है कि ग्राम्य विकास विभाग की तरह सभी विभागों में मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम लागू हो और सभी ट्रांसफर ऑनलाइन सिस्टम के तहत ही हो। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की टेस्टिंग 1 महीने में पूरी कर ली जाएगी और पूरी ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया 2 महीने में पूरी की जाएगी। माना जा रहा है कि ये प्रक्रिया अगले साल लागू हो जाएगी। तो इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारी संवाददाता सोनी कपूर फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। सोनी, ये पूरा मामला जो है ये इस तरह से प्रतीत हो रहा है कि एक मंत्री से बेहद खुश नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और भी क्या कुछ जानकारी है आपके पास, दर्शकों को बताएं। बिल्कुल दीप्ति, जिन तरह से सरकार की ईमानदारी की और ट्रांसपेरेंट की बात चल रही है, वहीं पे ग्रामीण विकास मंत्री जो है महेंद्र सिंह की पहचान एक अपने आप में ईमानदार व्यक्ति के साथ साथ एक शख्स के फैसले लेने पे एक कद्दावर नेता होने के नाते हुई है। और कुछ ऐसा ही फैसला उन्होंने जिस विभाग के भ्रष्टाचार खत्म होने के लिए साथ साथ कर्मचारियों को भी राहत मिल सके एक ऐसा फैसला लिया है। मंत्री महेंद्र सिंह ने अपने विभाग के मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम शुरू किया है जिससे इसको कई लोगों को राहत मिलेगी और सही तौर पे कहा जाए तो ट्रांसफर सक्रिय सरकारी नौकरशाही में एक अच्छा कदम उठाया है। और अब इस तरह से ऑनलाइन ट्रांसफर के सिस्टम भी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी प्रभावित हैं और इस पूरे सिस्टम को लेके मुख्यमंत्री जी बेहद खुश हैं। उसी तरह से मुख्य सचिव मुकुल राय ने भी सभी विभागों को खत लिखा है। ग्रामीण विकास की तरफ से अगर बात करी जाए, विभाग में मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर के सिस्टम भी लागू कर दिए हैं और सभी ट्रांसफर ऑनलाइन सिस्टम के तहत हो रही है। और साथ ही इस बात पे बात करी जाए तो पूरी तरह से सक्रिय है सिस्टम, एक माह में पूरी तरह से इस
इस सिस्टम को, पूरे सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया जाएगा और 2 महीने के अंदर अंदर हर जगह से ये सिस्टम फॉलो किए जाएंगे और महीने में पूरी 2 तरीके से एक सिस्टम बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि सक्रिय अलग अलग वर्ष में लागू तो हो जाएगी और देखा जाए तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी पहल है। साथ में बात करी जाए तो एक अच्छा संदेश जा रहा है जिसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विभाग के मंत्री नयनलाल सिंह से बेहद खुश नजर आ रहे हैं और काफी जिस तरह से देखा है काफी लोगों को और सीख भी लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है सोनी, लेकिन एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से विभाग में मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम शुरू किया जाएगा, इससे आने वाले दिनों में जो इस तरह से अगर सिस्टम शुरू किया गया तो आने वाले दिनों में क्या फायदा इसका देखा जा सकता है? बिल्कुल दीप्ति, ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो भ्रष्टाचार होते थे ट्रांसफर पोस्टिंग, इसको लेके काफी एक चिंतित माहौल रहता था और एक छवि खराब होती थी। अब ऑनलाइन सिस्टम रहेंगे, इसको लेके काफी लोगों में एक तसल्ली रहेगी और एक अच्छी छवि जाएगी और एक अच्छा संदेश जाएगा समाज में। और इसको लेके बात करी जाए ऑनलाइन सिस्टम, तो ऑनलाइन ट्रांसफर को लेके एक अच्छी छवि के साथ साथ जितने भी विभाग में अच्छा कार्य हो रहे हैं, एक साफ सुथरी छवि को लेके एक अच्छा एक फ्रेम बन के जाएगा और एक अच्छा एक इमेज जाएगी। तो इससे बहुत सारी चीजों में फायदा रहेगा, काफी अधिकारियों को इसका लाभ होगा, काफी अधिकारियों को इससे राहत मिलेगी। कोई जो चिंता रहती थी वो उस तरह का एक मैसेज नहीं जाएगा और एक अपने आप में मजबूती बनी रहेगी। सोनी, जिस तरह से इस प्रक्रिया के टेस्टिंग की बात की जा रही है तो क्या इससे टेस्टिंग को लेकर अभी क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आ पा रही है, टेस्टिंग किस तरह से किया जाएगा? टेस्टिंग को लेकर बता दें तो जो प्रतिक्रिया चल रही है अगले 2 वर्ष में लागू हो जाएगी। अब इस 2 वर्ष में लागू हो जाएगी, जो ये सामने रिजल्ट आएगा ये 2 वर्ष के बाद ही कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। 2 वर्ष में लागू हो जाएगी, अभी इसकी प्रतिक्रिया चल रही है। सुनिए, लेकिन बात की जा रही है 2 महीने की प्रक्रिया 2 महीने में पूरी हो जाएगी और इसको अगले साल तक लागू किया जा सकता। आप 2 साल की बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो खबरें हमारे पास है उसमें ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया 2 महीने में पूरी की जाएगी, जो टेस्टिंग प्रक्रिया है। तो इस पर ये बात आप साफ करिए कि क्या है सोनी जी? बिल्कुल, 2 महीने तक इसकी प्रक्रिया चलेगी और 2 वर्ष तक लागू रहेगी। तो ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया शुरू की गई है, ये प्रक्रिया कब से शुरू की जाएगी, क्या कुछ इस पर जानकारी मिल पा रही है? ये प्रक्रिया अभी से शुरू हो गई या आने वाले दिनों में शुरू की जाएगी सोनी? बिल्कुल, अभी से शुरू हो जाएगी और कुछ एक दो हफ्ते के अंदर अंदर इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा और साथ ही साथ इस पे दिशा निर्देश भी होंगे, अधिकारियों को सिस्टम बताया जाएगा। और जिस तरह से विभाग में सब कुछ चल रहा है, विभाग में एक लेटर जारी हो गया है, उस लेटर को पढ़ करके लेटर के संज्ञान में सबके जाते ही इस सिस्टम की प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। सोनी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये प्रक्रिया जो शुरू की गई है तो क्या आने वाले दिनों में तब तक और कोई ट्रांसफर नहीं होंगे जब तक ये प्रक्रिया पूरी तरह से लागू न कर दी जाए? क्योंकि अगर जब बात की जा रही है कि ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे तो क्या ये प्रक्रिया होने थे अभी तक, जो होने थे वो अभी तक हो चुके हैं, लेकिन इसके आने वाले समय पे जिस तरह से एक नई मुहिम बनेगी, नए तरीके चलेंगे, नए सिस्टम चालू होगा, उसके बाद ही अब कुछ आने वाले समय पे होगा। अभी जो सिस्टम बनने में समय लगेगा उसी का उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा और सिस्टम के आधार पर ही चलना पड़ेगा। तो क्या अभी जब तक ये प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं शुरू हो जाएगी तब तक ट्रांसफर जिस तरह से हो रहे थे उसी तरह से होंगे या फिर ऑनलाइन सिस्टम अभी से ही शुरू कर दिया जाएगा? ऑनलाइन सिस्टम अभी से ही शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है सोनी, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहे इंडिया वॉच।